हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल इंटर लर्निंग अकेडमी वी आर बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास थ्री एन सी आर टी इंग्लिश यूनिट सेवन एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लिटिल टाइगर बिग टाइगर सो चिल्ड्रेन हैव यू एवर विजिटेड टू ए जंगल क्या आप कभी जंगल गए हो टाइगर्स और लायंस इन्हें तो हम लोगों ने मूवीज में देखा होगा कई बार सीरियल्स में भी देखा होगा और कई बार हमने इन्हें जू में भी देखा होगा फाइन चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या हो रहा है so unit 7 little tiger big tiger chota tiger bada tiger there was a mother tiger and her small little cub they lived near a river in a shady jungle when the sky was dark the mother tiger hunted for deer and pig the tiger cub stayed close by his mother's side. so. देर वॉज अ मदर टाइगर एंड अ स्मॉल टाइगर कब मदर टाइगर मतलब टाइगरेस एक टाइग्रेस रहती है एंड उसका छोटा सा बेबी वॉट इज टाइगर बेबी कॉल्ड एज टाइगर बेबी इज कॉल्ड एज कब वो कहाँ पे रहते थे दे लिव नियर अ रिवर नदी किनारे रहते थे इन अ शेडी जंगल शेडी मतलब जहाँ पे बहुत ही घना जंगल वेन द स्काई वॉज डार्क जब रात हो जाती थी द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग वो शिकार करने के लिए निकल जाती हंटिंग का मतलब होता है हंट का मतलब होता है शिकार करना जब अंधेरा हो जाता था जब डस्क हो जाता था तो उसकी मम्मा कहाँ पे जाती थी टाइग्रेस कहाँ पे जाती थी शी वेंट टू द जंगल टू हंट फॉर डियर एंड पिग शिकार करने निकल चलती किसका शिकार पिग एंड डियर द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड और जो छोटा सा बेबी रहता है टाइगर का बेबी टाइगरस का बेबी वो हमेशा अपनी माँ के पास ही रहता है क्यों क्योंकि इससे वो शिकार कैसे करना है ये भी सीख जाता है एंड उसे ये भी समझ में आ जाता है कि दुश्मनों से उसे कैसे बचना है इसलिए वो हमेशा अपनी माँ के पास रहता है नेक्स्ट व्हेन द लंगूर मंकी सॉ हर ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल फिर नो कैन यू सी यहां पे आपको दिख रहा है ऑन द ट्री देयर इज अ लंगूर मंकी जब वो देखता है कि टाइगरस मंकी टाइगर्स मेरे पास आ रही है मुझे खाने के लिए वो बहुत जोर से आवाज करता है वो सबको आवाज कर करके ये बताना चाह रहा है कि यहाँ से बच जाओ यहाँ से भाग जाओ शेर आने वाला है टाइगर आने वाला है ही कॉल अलाउड हार्श कॉल वॉच आउट टाइगर इज कमिंग ध्यान से टाइगर आ रहा है द सा्बर डियर बिलो द डियर बाग नाउ no? यहाँ पे सांबर डियर क्या करती है वो रोने लगती है जो, जो से आवाज करने लगती है बिलोट का मतलब होता है लाउड रोर डीप लाउड रोर एंड द एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे कई बार सारे जो भी एनिमल्स को वो हंट करने आती हैं जैसे उसे उन्हें पता चलता है कि हमें हंट करने के लिए टाइगर आ रहा है या टाइग्रेस आ रही है तो ये सबके सब वहाँ से भाग जाते हैं क्यों भाग जाते हैं क्योंकि इन्हें सबकी इन सबको अपनी जान बचानी होती है इसलिए ये भाग जाते हैं और कई बार टाइगर के हाथ में कई बार टाइगर के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है खाली हाथ उसे घर वापस जाना पड़ता है वो जंगल जाती है फिर से वो निकल चलती है शिकार करने क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे ना डियर मिले ना पिग मिला ना कुछ मिला उदास होकर वो वापस आ जाती है फिर से वो जाती है किसे हंट करने के लिए जाती है वो फाउल को हंट करने के लिए जाती है एंड शी गोज टू हंट पीजेंट दिस इज द पिक्चर ऑफ पीजेंट चिल्ड्रन दिस इज हाउ द पीजेंट लुक्स एंड दिस इज हाउ फाउल लुक्स शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग और वेंट टू द रिवर फॉर फिश या वो नदी किनारे जाती फिश खाने बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट पर वो हर रात नहीं जाती है कभी कभी जाती है इफ द मून वॉज ब्राइट मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन अगर बहुत ही उजाला रहता है तो मदर टाइगर क्या करती है टाइगर क्या करती है थोड़ा सा वेट करती है ताकि अंधेरा हो जाए फिर में शिकार करने के लिए निकल पड़ू ट्विस्ट दाउ वॉट इज ट्विस्ट चिल्ड्रेन सडन जर्क मतलब जोर से झपटा मारती है ट्विस्ट का मतलब होता है सडन ट्विस्ट ट्विस्ट का मतलब होता है सडन जर्क जर्क मारना झपटा मारना इफ द मून वॉज ब्राइट The mother tiger lay down and waited for the dawn. She ट्विस्ट the tip of her tail. अपनी जो टेल है उसे ट्विस्ट करती है जर हिल, हिलाती है And the tiger cub pounced on her tail again and again. और देखो can you see? यहाँ पे जो tiger cub है वो इसके पूछ पे चढ़ रहा है पौन्स मतलब झपटा मार रहा है नेक्स्ट इफ ही went टू फार अवे अगर बहुत दूर चले जाता द टाइगर मदर टाइगर called him. आप लोग भी कई बार दूर जाते हो खेलने के लिए आपकी मम्मा आपको बुलाने आती है है ना उसी तरह जब टाइगर कब बहुत दूर चले जाता है तो उसकी मम्मा उसे आवाज़ मारती है कि तू आ जा द मदर टाइगर कॉल ड्रिम विद क्वाइट ग्रंट धीरे से उसे वापस बुला लेती है द टाइगर कम केम बैक टाइगर का बहुत अच्छा रहता है वापस आ जाता है बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट पर उसे रात में जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहना उसे पसंद नहीं है वन नाइट एक रात क्या होता है द मदर टाइगर वॉज टायर्ड जो मम्मा टाइगर थी जो टाइगर था टाइग्रेस थी वो बहुत टायर्ड हो जाती है टायर का मतलब होता है थक जाना टायर्ड का मतलब होता है थक जाना जो टाइग्रेस थी जो मम्मा टाइगर थी वो बहुत थक जाती है एंड क्लोज आइज एंड अपनी आइज क्लोज कर लेती है द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग टाइगर कब ने क्या देखा छोटा सा फ्रॉग टाइनी का मतलब होता है छोटा छोटा सा क्या देखा उसने मेंढक देखा हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड फ्रॉग कैसे करता है ऐसे ऐसे हॉप करता है आपने देखा होगा कई बार स्पेशली बारिश के मौसम में फ्रॉग बाहर आते हैं तो वो कैसे फ्रॉग करते हैं उसी तरह फ्रॉग भी हॉप करने लगा द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉक हॉप अवे जैसे इस पर झपटा मारने लगा ये जम करके भाग गया आपने आपको बचाया He chased the frog and caught it and turned to show his mother. वो उसके पीछा करा एंड उसे पकड़ने की भी कोशिश करी एंड उसे पकड़ भी लिया एंड वो अपनी जैसे वो मुड़ता है अपनी मम्मा को दिखाने लेके जाने वाला था कि देखो मैंने फ्रॉग पकड़ा है बट ही वॉज इन साइड इन सिड ही सो अ टाइगर उसे अचानक से बड़ा सा टाइगर दिख जाता है बिगर देन इज मदर जो उसकी मम्मा से भी बड़ा था जो उस टाइगर से भी बड़ा था जैसे वो फ्रॉक को पकड़ा एंड अपनी मम्मा को दिखाने के लिए जा ही रहा था उसने देखा कि बहुत बड़ा टाइगर आता है जो टाइगर उसकी मम्मा से भी बड़ा था नियर हिम इन द जंगल उसे ये, टाइगर कहां पे दिखा जंगल में द टाइगर्स ग्रीन आइस ग्लिस्टन एस ही वॉस्ड द टाइगर कब यहाँ पे बेटा टाइगर की आइस बताई गई है वॉट इज द कलर ऑफ द टाइगर आइस दैट इज सोनिया ग्रीन ग्लिस्टन का मतलब होता है चमकना जो टाइगर की आंखें थी वो बहुत ही चमक रही थी एज ही वॉज द टाइगर कप जैसी बड़ा टाइगर ने छोटा कप को देखा उसकी आंखें चमकने लगी द टाइगर कप वॉज फ्राइट जो टाइगर कप था जो बेबी टाइगर था वो डर गया था

मम्मा टाइगर आती है रोर कर करके आती है कि मेरा बेटा कहाँ गया है शिफेज द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे ही वो सामने बड़े टाइगर के सामने खड़ी खड़ी हुई वो जो बड़ा टाइगर था वहां से उसे देख के वो वापस चले जाता है अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे द मदर टाइगर लाइक टू रोर मम्मा टाइगर को रोर करना बहुत पसंद था दहाड़ना बहुत पसंद था अलाउड बिग टाइगर रोर जैसे ओ, करता है ऐसे रोर करना बहुत पसंद था टू टेल ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर ये क्यों रोर करती थी ताकि सब एनिमल्स को जंगल में पता चले कि वो उसी जंगल में है ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल कैट फार फार अवे सिल्ड्रेन द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर जो छोटा सा बेबी टाइगर था उसे भी रोर करना बहुत पसंद था अलाउ टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देर वो अपनी मम्मा की कॉपी करने लगा जैसे उसकी मम्मा टाइगरस को रोर करना बहुत पसंद था उसी तरह छोटे से जो बेबी टाइगर था उसे भी रोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था

जो बेबी टाइगर था वो बड़ा हो जाता है एक साल क्या होता है जो बेबी टाइगर था जो कब टाइगर था वो बहुत ही बड़ा हो जाता है ही वॉक फॉर माइल्स एलोन वो दूरों दूर अकेला चलता गया हंटिंग फॉर गेम एट नाइट और रात को शिकार करने के लिए निकल चलता ही रोड टू टेल ऑल दिन इन दंगल दैट ही सभी को ये रोर करके ये भी बताता था, था कि मैं तो यहीं पर हूँ ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल कैप्ट फार फार अवे सभी एनिमल्स बड़े टाइगर से डर रहे थे इसलिए सब उससे बहुत बहुत दूर चल रहे थे एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट है स्मॉल टाइगर कब अरिंग हिज ओन लाउड रो स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल जैसे उसे लगा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ अब तो मैं इतना रोर कर रहा हूँ कि मुझसे तो अब सारे एनिमल्स डर रहे हैं तो उसे अपने आप पर बहुत हँसी भी आई और उसने एक छोटी सी स्माइल भी दी सो चिल्ड्रेन कैसी लगी ये वाली स्टोरी एंड हु इज द राइटर यइटर इज लुइस हैमिल्टन फूला लेट मी रिपीट एक्सक्यूज मी लुइस हैमिल्टन

देन वी हैव गेम ग्रंट मतलब unhappy, खुश नहीं था एंड गेम तो आपको पता ही जैसे उसे कुछ भी शिकार नहीं मिला उसका गेम खत्म हो गया वो वापस चले जाती है ग्लिस्टन का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली रोर का मतलब होता है धारना Present तो मैंने आपको बताया एंड फॉल भी मैंने आपको बताया था दे आर द बर्ड्स नेक्स्ट रीडिंग इज फन टेक द करेक्ट आंसर

वोट डेट द मदर टाइगर हंट वेन द स्काई वॉज डार्क मम्मा टाइगर क्या हंट करने गई थी शीप एंड गोट हंट करने गई थी फिश एंड फ्रॉग, डियर एंड पिक्स या डोंकीज एंड हाउस डियर करने गई थी वो बट उससे कुछ भी नहीं मिला था तो वापस आ गई थी नेक्स्ट वो डेट द टाइगर कप कैच वन नाइट टाइगर कप ने एक दिन क्या पकड़ा था छोटा सा ग्रीन कलर का फ्रॉग। याद है ना आपको फ्रॉक कैसा होप करता है ऐसे ऐसे जब उसने फ्रॉक का पीछा किया तो क्या हो गया वेन द लिटिल टाइगर कप चेज द फ्रॉक अग टाइगर केम नियर हेम एक बहुत ही बड़ा सा टाइगर उसके पास आके खड़ा हो जाता है नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग मैच द एनिमल्स विद देर यंग वंस नो देखो यहां पे ये एनिमल्स है और इनके यंग वंस यंग वंस का मतलब होता है बेबीज सो सबसे पहले वी हैव हॉर्स 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 का बेबी हॉर्स बेबी इज कोल्ड सो आई जस्ट मैच दिस जस्ट द सेकेंड चिड्रिन लेट मी ड्रिंक वाटर एक्सक्यूज मी so what is the baby of horse the baby of horse is called next we have dog what is dog baby called as dog baby is puppy what is dog baby called as dog baby is puppy can you see a puppy and this is called fine children now let's move ahead and see what are other animals here cat cat baby kya hota hai? कैट hmm, कैसे करती है म्या म्या करती है एंड कैट के बेबी को क्या कहते हैं कैट बेबी इज कॉल्ड को क्या कहते हैं कॉल्ड एज क्या कहते हैं को, काफ उसका बेबी काउ बेबी इज कॉल्ड काफ नेक्स्ट वी हैव पिग पिग बेबी को क्या कहते हैं वेर इज पिग 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 बेबी इज कॉल्ड एज़ पिगलेट पिग बेबी इज वन सेकेंड सो सॉरी हॉस इज कॉल्ड जस्ट अ सेकेंड लेट मी टेक द पेंसिल से वेट हॉर्स इज कॉल्ड डॉग इज पपी कैट इज किटन काउ इज काफ पिग बेबी इज पिगलेट देन वी हैव टाइगर टाइगर बेबी हमने इसी का चैप्टर पढ़ा है Tiger baby is called as cub. What is the baby of tiger called as? That baby of tiger is called as cub. Next we have sheep. Sheep baby is kid. Sheep baby ko kya kete hai? Kid. Next we have goat. Goat baby ko kya kete hai? Lamb. Goat baby is called as lamb. Next we have duck. Duck baby is called as duckling so children please complete this now let's revise once again horse baby cold dog baby puppy cat baby kitten cow baby calf pig baby piglet tiger baby cub sheep baby kit goat baby lamb and duck babies duckling now let's move ahead Word game can you place these letters in the right order to form the names of the animals? So, children, can you see here? The names of the animals are jumbled up. Now, what we have to do here is we have to jumble the words and form the correct word. So, like A, T, C, Ban aapka cat. Next, we have S, E, M, O, U. Iska ban jaya aapka mouse. M, O, U, S, E, mouse. Next, we have. आर E एस ओ एच इसे चंबल कर देंगे तो इसका करेक्ट वर्ड इज हॉर्स नेक्स्ट वी हैव ओ आई एन एल लायन नेक्स्ट वी हैव पी E एस एच ई शीप नेक्स्ट वी हैव आर ए डी E दिस इज डी D डी डबल ई आर डी Next we have L U B L L U B L What is this bull That is B U double L bull Next we have G I T E R That's easy Isika <speaking> <down> to chapter humne padayaj. tiger big tiger and small tiger Next we have F O L W it's wolf W O L F. So children, let's read out these words. First one is mouse. Then we have horse, lion, sheep, deer, bull, tiger, and wolf. Now the animals, birds in column A have to reach their homes in column B. Find out where they live. Now there are some animals here, and there are some.

एंड एंड दिस इज अस्ट सेन या नेक्स्ट वी हैव डक डक कहां पे रहता है पानी में रहता है पाउंड में रहता है ओके दिस इज ओके चिल्ड्रेन नेक्स्ट वी हैव टाइगर टाइगर कहां पे रहता है टाइगर लिवज इन अ डैन नेक्स्ट रैपिड रैबिड कहां पे रहता है रेबिट लिव्स इन अ बरोबिट एंड दस इज बरोक्सट वी हैव स्पाइडर स्पाइडर कहाँ पे रहता है वेब में मकड़ी का जाल तो सुना होगा सबके घर में लगता है सो दिस इज अस्पाइडर स्पाइडर कहाँ पे रहता है वेब सो विल मैच दिस विद दिस दिस इज द स्पाइडर वेब नेक्स्ट वी हैव स्पैरो चिड़िया कहाँ पे रहती है पेड़ पे रहती है पेड़ पे कहाँ पे रहती है अपना एक घोसला बनाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट

लीव्स स्पाइडर कहाँ पे रहता है वो वेब में रहता है नेक्स्ट लास्ट वी हैव स्पैरो चिड़िया कहाँ पे रहती है चिड़िया तो नेस्ट पे रहती है फाइन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स राइट नाउ राइट सिक्स सेंटेंसेस फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन एक्सरसाइज थ्री ऑफ वर्ड बिल्डिंग वन हैज बीन डन फॉर यू फॉर एग्जाम्पल अ टाइगर लिव्स इन अ डेन चिल्ड्रन यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं दी हुई है सो आई एम नॉट राइटिंग दिस बट आपको मैं समझा देती हूँ वॉट यू हैव टू डू योर रिज जैसे कि हमने अभी ये वरी वर्कशीट की है उसी को हमको यहाँ पे लिखना है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है जो आपने नोटबुक बनाई होगी इंग्लिश की उसमें आपको ये लिखना है क्या लिखेंगे अ टाइगर लिव्स इन अ डेन नेक्स्ट बी कहा रहती है बी लिव्स इन अ बी हाइव यू हैव टू राइट योर बी कहाँ पे रहती है बी लिव्स इन अ बी हाइव। नेक्स्ट ऐसे ही आपको लिखना है मैं एक दो करके बता देती हूँ मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है सो चिल्ड्रेन यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर नोटबुक आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है देन और क्या था डक डक कहाँ पे रहता है डक लिव्स इन अक कहां पर रहता है पानी में पाउंड में रहता है फाइन चिल्ड्रन इसी तरह आपको ये पूरा

द लिटिल टाइगर cub स्लिफ्ट अवे when his मदर was asleep. He ही got गॉट trouble. Tell ट्रबल टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट did यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड in योर इन अ ट्रबल कभी आप मम्मा की बात नहीं सुनते हैं कई बार ऐसा होता है मम्मा आपको मना करती है कि आपको सर्दी है आपको बुखार है एंड हो सकता है आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं आप लोग क्या करते हो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेते हो या ठंड में खेल लेते हो तो ऐसा क्या होता है आप बीमार हो जाते हो तो ऐसा क्या करना चाहिए वी शुड ऑलवेज लिसन टू आर पेरेंट्स जो भी हमारे पेरेंट्स करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं फाइन चिल्ड्रेन सो यू ऑल हैव टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स जो भी आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं वो आपको ओबे करना चाहिए फाइन लेट सी वॉट इज नेक्स्ट टीम टाइम मे ग्रुप्स वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक मदर टाइगर चिल्ड्रन दिस इज अगेन एक्टिविटी ये टीम वर्क है मेरे पास तो कोई टीम नहीं है यहाँ पे सो so, आपको ये करना है आपको क्या करना है ग्रुप बनाना है वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड लैक्ट एक बच्चे को दो बच्चे तीन बच्चे ले सकते हो एक बच्चा बनेगा उसमें से मदर टाइगर और एक बच्चा बनेगा मेल टाइगर पापा टाइगर एक बनेगा आपका डियर फिर छोटा सा बॉय बनेगा कब देन फ्रॉक बनेगा मेंढक आपको क्या करना है मेंढक के जैसे चलना है फिर मंकी के जैसे भी आपको ऐसे करना है और बनाना खाना है इसके आपको एक्टिंग करनी है फाइन चिल्ड्रेन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आपको यहां पे क्या करना है डिड यू ऑल गेट दिस नाउ लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट नाउ आपको जो एक्टिंग करनी है आपको क्लास में भी कर सकते हो आप अपनी मैम के साथ भी कर सकते हो यू कैन डू विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो और आपकी कोई क्लासमेट है तो उसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं नाउ से अलाउड इसे जो जो से बोलना है क्वाइट क्वाइट क्वीन क्वारल बिलो लेट्स रिपीट क्वाइट क्वाइट क्वीन क्वारल एंड बिलो नेक्स्ट वी हैव फेलो शैलो स्वेलो बिग एंड बिगर fellow shallow swallow big and bigger next biggest small smaller smallest and rich biggest small smaller smallest and rich next we have richer richest pounds and bounds let's repeat richer richest pounds and pounds.

आई गिव वूल वूल कौन देता है चिल्ड्रेन कौन देता है शीप सो so, सबसे पहले मैंने यहाँ पे शीप ऑलरेडी लिखा हुआ है नेक्स्ट वॉट वी हैव आई ले एक्स एक्स कौन देता है हु हु ले एक्स चिल्ड्रेन वन सेकेंड चिल्ड्रन जस्ट अ सेकेंड है

मिल्क कौन देता है चिल्ड्रेन काहू देती है सो so, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है सी ओ डब्ल्यू काउ आई कैरी लोड्स मैं वजन उठा के यहां से वहां लेके जाता हूँ नंबर फोर नंबर फोर सबसे पहले वी विल फाइंड आउट नंबर फोर ये रहा आपका नंबर फोर कैरी लोड्स कौन करता है डोंकी सो वॉट वी विल राइट हियर D O N K E Y, donkey. Next we have I N E. Nene कौन करता है? Nene तो आपका horse करता है. Nene कौन करता है? Horse करता है. So what will I write? Number five horse. H O R S E, horse. Next I am man's best friend. आई एम मैं बेस्ट फ्रेंड बताओ बताओ मुझे कौन है नंबर फट, फट. में रहता है बहुत लोग उसे प्यार भी बहुत सारा करते हैं उसे बाहर घुमाने लेके जाते हैं उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाते हैं उसे कार में भी लेके जाते हैं कौन है वो डॉग सो वॉट विल आर राइटर डी ओ जी डॉग फाइन चिल्ड्रेन डी ओ जी डॉग जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन इसे मैं अच्छे से लिख दू आई गिव शीप आई ले एक्स हैन एन हैन अंडे कौन देती है एग देती है आई गिव यू मिल्क दूध कौन देता है दूध कौन देती है काउ थर्ड नंबर सी ओ डब्ल्यू काउ नेक्स्ट वी हैव आई कैरी लोड्स मैं सामान लेके यहां से वहां लेके जाता हूं मैं कौन हूं डोंकी दिख रहा है आपको डोंकी वेर इज डोंकी डोंकी इज नंबर सो नो वॉटर राइट डी ओ एन के ई वाई डोंकी नेक्स्ट वी हैव आई आई ए मैं नेने करके आवाज करता हूं कौन हूं मैं मैं तो हॉर्स हूँ हॉर्स कैसे आवाज करता है ने ने ऐसे करता है ना हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स नेक्स्ट आई एम मैं बेस्ट फ्रेंड मैं इंसानों का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड हूं कौन हूं मैं आपको पता है बहुत सारे लोग उसे एज ए पेट घर पे रखते हैं बहुत लोग उसे बाहर घुमाने लेके जाते हैं कार में भी लेके जाते हैं उसे उसके नहलाते हैं उसकी कंगी करते हैं उसे टाइम टू टाइम खाना भी देते हैं कौन हो सकता है वो डॉग सो सिक्स वाला इज डॉग सो वॉट डी ओ जी डॉग नेक्स्ट आई लिव इन अ स्टे मैं स्टे में रहता हूँ हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी मैंने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस जरूर किया था कौन रहता है स्टे में पिग रहता है सो नंबर सेवन इज पेवन दिस इज नंबर सेवन सो व्हाट विल राइट आई मैं क्या लिखूंगी पी आई जी पिग नेक्स्ट आई ब्लेट ब्लेट कौन करता है चिल्ड्रेन आपको पता है अभी हमने सीखा था लास्ट वीडियो में गेट कौन करता है नंबर एट फटाफट मुझे बताओ कौन करता है अभी अभी सीखा था हमने लास्ट वीडियो में सीखा था एक पोएम में भी सीखा था गोड जी ओ एटी गुड लास्ट वन आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट मैं डेजर्ट में रहता हूँ कौन है ये कैमल 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 के बारे में हमने एक पोएम भी पढ़ी थी

आई ले एक्स मैं एक्स देता हूँ कौन देता है एक्स हैन आई गिव यू मिल्क मैं आपको दूध देता हूँ कौन ऊ मैं आई एम अ काउ आई कैरी लोड्स हु एम आई आई एम अ डोंकी वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ डोंकी डी ओ एन के ई वाई डोंकी नेक्स्ट आई ने मैं नेने करता हूँ मैं कैसी आवाज निकालता हूँ नेने करता हूँ कौन ऊ मैं आई एम अ हॉर्स आई एम मैं बेस्ट फ्रेंड हु एम आई आई एम अ डॉग I live in a stay. I am a pig. Next, I am black. Kon karta hai? Goat. Last one is I am the sheep of the desert. Who is the sheep of the desert, children? Camel. So, here we have completed children. You can also complete this. So, that's all for today, children. I hope you have enjoyed this story. We'll meet you soon with a new story. Till then, bye. Take care and stay blessed. Thank you. And good night.